नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान शिव के स्वरूप को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में काल भैरव के पूजन का विशेष महत्व है। इनके पूजन से मृत्यु भय पर विजय प्राप्त होती है। काल भैरव का भक्त कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। साथ ही काल भैरव के जन्म की बहुत सारी कथाएं बनी हुई हैं, लेकिन वास्तु शास्त्रों के अनुसार काल भैरव का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस आधार पर इस साल काल भैरव जयंती 27 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं काल भैरव जयंती की तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, काल भैरव जयंती की पूजन विधि। दोस्तों, काल भैरव भगवान शिव का ही रूप है। इनके पूजन से भूत प्रेत, बाधा, तंत्र मंत्र और जादू टूने का प्रभाव समाप्त होता है। वैसे तो काल भैरव का पूजन लोग तांत्रिक विधि से करते हैं, लेकिन गृहस्थनों को सात्विक विधि से काल भैरव का पूजन करना चाहिए। काल भैरव जयंती का पूजन प्रदोष काल में या फिर रात्रि काल में करना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस दिन काल भैरव का विधि विधान से पूजन करते हुए काल भैरव चालीसा पढ़नी चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। साथ ही काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी सवारी काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके कोई भी दुख हो वह जल्दी ही दूर हो जाएंगे। नंबर दो, काल भैरव जयंती की तिथि और मुहूर्त। दोस्तों, वास्तु शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाएगा। वास्तु शास्त्रों के अनुसार इस दिन को काल भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन काल भैरव जयंती 27 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि काल भैरव जयंती के दिन विधि पूर्वक पूजन करने से आपके सारे रोग और दोष दूर हो जाते हैं और काल अर्थात मृत्यु पर विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।